जो ब्रिजभूषण सिंह हैं इसके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत एक धारा दर्ज हुई थी सर। अब ये भी बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं, क्या है सर इसमें पूरी खबर? जी, जो मामला था ब्रजभूषण शरण सिंह का, जी जिनके ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने पहलवानों के साथ गलत काम किया है, जी जी उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने काफी लंबे समय के बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए फटकार लगाई थी दिल्ली पुलिस को, और उसके बाद जो दिल्ली पुलिस है उसने एफआईआर दर्ज भी कर ली थी ब्रजभूषण के ऊपर। तो जी जी सर उस टाइम पे जब एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें एक मामला पोक्सो एक्ट के तहत भी दर्ज हुआ था, जी जिसके जो काफी संगीन धारा होती है जिसमें आदमी के ऊपर अगर वो लग जाए तो उसमें उसकी फौरन तो गिरफ्तारी हो जाती है, जी जी और जो उसमें बेल मिलने के चांस होते हैं, जमानत मिलने के, वो भी ना जी के बराबर होते हैं, उसमें नहीं मिल पाती, और सजा उम्र कैद तक की इसमें रहती है। जी सर तो अब तक लोग ये सवाल उठा रहे थे कि मतलब एफआईआर दर्ज होने से क्या होगा, जब इनकी गिरफ्तारी जी नहीं हो रही तो इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, मतलब जी असली चीज तो गिरफ्तारी होना है ना। ना तो पुलिस ने एक बार भी उनके घर पर कोई छापा मारा था और ना ही कोई इस तरह की कोई गिरफ्तारी की बात की थी, सिर्फ ये बात कहकर बात खत्म हो गई थी कि उनके ऊपर जी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जी लेकिन अभी एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इनकी एफआईआर के ऑर्डर दिए थे, और अब ये कहा जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी भी जल्द होने वाली है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे जस्टिस चंद्रचूड़ जी, वो काफी ईमानदार जज हैं, जी वो हर चीज में बिल्कुल इंसाफ का मामला करते हैं, कोई दोगला रवैया इख्तियार नहीं करते कि ये हिंदू मुस्लिम है या फिर बीजेपी से है, तो इन चीजों में वो बिल्कुल वो नहीं करते। तो जी पहले जो चंद्रचूड़ जी है उन्होंने एफआईआर के ऑर्डर जारी कर दिए थे, तो अब इस बात का तो सभी को पता है कि जो इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, इनके पीछे जो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की बड़ी लीडरशिप है उनका हाथ है, जी और जो इनकी गिरफ्तारी ना होने दे रहे हैं वो यही वजह है सबसे बड़ी, कि जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी उसी के एक नेता ब्रजभूषण शरण सिंह है। जी लेकिन जो पुलिस है वो तो अब तक कार्रवाई कर नहीं रही है, कोई छापेमारी नहीं कर रही है, वो ये कह रही है कि पहले वो जांच करेंगे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने पहले एफआईआर के ऑर्डर जारी किए थे, अब उसी जी तरह से जल्द ही वो इनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर भी जारी करने वाले हैं, क्योंकि जी मामला काफी गरमाया हुआ है, देश के गौरव हैं जो जिनके साथ अन्याय हुआ है, अगर उन्हीं को टाइम पर न्याय नहीं मिलेगा, उनका जो समय है वो बर्बाद हो रहा है, तो फिर किसको मिलेगा। अब तो यकीन ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी भी अब कर ली जाएगी, सुप्रीम कोर्ट से जल्द ही इस चीज के भी ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। जी सर।